ईमानदारी से बताइए किसके किसके घर में श्री रामचंद्र माने जी हैं। एकदम कुल गायब बा, सब गायब। बताइए आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं और एक हिंदू के घर में अपना ग्रंथ ही गायब है। अच्छा रूम में सलमान खान की फोटो है कि नहीं है? कैटरीना कैफ का फोटो लागल बा कि ना पीछे हैं? बताइए अपना ग्रंथ ही नहीं है और कहते हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, जय श्री राम जय श्री राम। बोलने से थोड़ी हो जाएगा महाराज। अब जितना जय श्री राम करके रील बना लीजिए वो अलग बात है, लेकिन दिखावे से नहीं, भक्ति करनी भी पड़ेगी। और एक बात बताएं, जिस घर में श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ होता है उस घर में भूल से भी, कहते ना ऊपरी चक्कर चल रहा है, बाहरी चक्कर, भीतरी चक्कर, न जाने कौन कौन सा चक्कर चल रहा है, सारे चक्कर खत्म हो जाते हैं महाराज। हाँ बिल्कुल सत्य कह रहे, जिस घर में श्री रामचरित मानस का ग्रंथ रखा होता है उस घर में साक्षात उस द्वार पर मेरे श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके पहरा दे रहे होते हैं। और आप विचार करें जिस दरवाजे पर हनुमान जी बैठे होंगे वहां कोई भूत प्रेत आ सकता है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कोई नहीं आ सकता। लेकिन अब आप मानस जी रखे हैं घर में, अगर रखे भी हैं तो लाल कपड़े में बांध के कई दादा परदादा के जमाने से रखा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, कोई धूप बत्ती दिखाने वाला नहीं है। तो हनुमान जी महाराज भी कब तक द्वार पे बैठे रहेंगे? वो भी सोचेंगे चलो भाई यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं, अपने घर में अगर नहीं है तो कल ही जाइए और लेकर के आइए और उस ग्रंथ को अपने घर में विराजमान करिए। निश्चित रूप से आपके घर की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रयास करिए कि कम से कम एक पन्ने पलट के रोज पढ़ लिया करिए। एक पन्ना न पढ़िए, कम से कम एक चौपाई पढ़ लीजिए, नियम बना लीजिए, एक चौपाई दो चौपाई पढ़ने की आदत बनाइए। और इतना भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम धूप बत्ती दो पुष्प तो चढ़ा ही सकते हैं महाराज। और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कैसे सनातनी, फिर कैसे हिंदू? ये कार्य अवश्य करें। मानस जी की बड़ी महिमा है, इसलिए अपने घर में श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ को अवश्य विराजित करें। वो स्वामी जी ने ये सारे श्लोक लिखते हुए पंचदेव उपासना के लिए पांच सोरठे लिखे, ब्राह्मणों की वंदना की, और अंत में सबसे पहले वो स्वामी जी ने अपने गुरु की वंदना की कि पंदा गुरु पादा पदुमा परागा, पंदा गुरु पादा पदुमा परागा, सुरुचि सुभास अमिया मोरे माया चूरन चारो समन सकल भव तुझ परिवार, श्री गुरु पद मन धन ज्योति, श्री गुरु पद मन धन ज्योति, श्री गुरु पद मन धन ज्योति।
सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान की वंदना की। बंदा गुरु पद पदुमा परागा, कहते जो अपने गुरु की वंदना करेगा, जो अपने गुरुदेव के चरणों में रज लगी रज माने धूल, जो उस धूल की वंदना करेगा उसके जीवन में चार चीजें बढ़ेंगी। कौन कौन सी? सुरुचि सुवास अनुराग। जीवन में ये चार चीजें बढ़ेंगी गुरु के चरणों की रज की वंदना करने से। और देखिए जिस प्रकार से आलू मिट्टी में पड़ा होता है और आलू को जब घर में लाया जाता है तो माताएं बहनें उसे धुल करके साफ करके स्वच्छ करके उसकी अच्छी सी सब्जी तैयार कर देती। उसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरुदेव भी हैं। मनुष्य का शरीर तो मिल गया लेकिन मिट्टी में पड़ा हुआ है, लेकिन जब गुरुदेव के चरणों की रज मिल जाएगी, जब गुरुदेव का सानिध्य मिल जाएगा, जब गुरुदेव के शरण में हम चले जाएंगे तो गुरुदेव इस शरीर में ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी विवेक रूपी बुद्धि रूपी ज्ञान रूपी नमक मिर्च लगा करके हमें भी सुंदर सा समाज में प्रस्तुत कर देंगे। जिस प्रकार से विवाह होता है और विवाह के समय एक ब्राह्मण देवता आते हैं, वर वधू का मिलन करा करके, वर वधू का विवाह करा के वो पंडित वो पुजारी वो ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। न उनका वर से मतलब है न उनका वधु से मतलब है, लेकिन दोनों को जीवन भर के लिए एक बना के चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब आत्मा और परमात्मा के बीच में एक महात्मा ना आ जाए, और जब आत्मा परमात्मा के बीच में एक महात्मा आ जाएगा तभी इस आत्मा से परमात्मा का मिलन संभव हो पाएगा, अर्थात संभव नहीं है। हम चाहे कि जितने बड़े ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, विवेकी हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, लेकिन जब तक गुरु का सानिध्य नहीं मिला है महाराज, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज का समाज गुरु भी बनाता है तो धन दौलत देख के बनाता है। कौन से बाबा ज्यादा आजकल वायरल हो रहे हैं उन्हीं के चेले बनेंगे हम, क्यों सेल्फी लेने को बढ़िया मिलेगी। पहले का समय था लोग गुरु बनाते थे तो ये सोच करके बनाते थे कि वो कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े संत हैं, उनके जीवन में कितना अनुष्ठान है, वो कितना जप करते हैं। पहले के साधु संत जब फक्कड़ होते थे उनका ना कोई आश्रम ना कोई लेना देना किसी चीज से कोई मतलब नहीं, तो लोग उन्हें अपना गुरु बनाते थे। लेकिन अब समाज बदल चुका है, आज कोई ज्ञान नहीं देखता, आज कोई विद्वता नहीं देखता, आज कोई बुद्धि नहीं देखता, आजकल कोई जप तप नहीं देखता, अनुष्ठान नहीं देखता, बस चमक दमक देखता है। उसकी चमक कितनी है, समाज में उसका नाम कितना है, उसका कितना बड़ा आश्रम है, उसे लोग अपना गुरु बनाते। गुरु भी अद्भुत और चेला भी तो अद्भुत। एक चेले ने अपने गुरु जी की फोटो निकलवाई और दुकान के पीछे लगा ली, तो उसका मित्र आया पूछा, भाई साहब गुरु जी की फोटो तो मंदिर में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, दुकान में क्यों लगा रखी? तो उसने कहा क्या बताऊं, अब दुकान में महाराज जरूरत पड़ जाती है। तो उसने पूछा जरूरत क्या पड़ती है? कहा देखो अब दुकान खोला है तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, दो चार ग्राहक को 100 रुपए का सामान अगर 200 में बेचो तो जरूरत पड़ती है और ग्राहक मानते नहीं है तो फिर गुरुजी से क्या मतलब है। कहा इसलिए गुरुजी की फोटो लगा ली, अब कोई ग्राहक आता है और मैं कहता हूँ ये सामान 200 रुपए का है, अगर वो नहीं मानता है तो तुरंत कह देता हूँ गुरुजी की कसम खा के कह रहा हूँ, और तुरंत मान जाता है। तो आजकल गुरुजी कसम खाने के लिए काम आते हैं,